गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो आतंकियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी ISI की K2 डेस्क द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। यानी एक बार फिर से आतंकवाद का K2 कनेक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए खास K2 डेस्क बनाई है। यहाँ K2 का मतलब 2K यानी कि कश्मीर और खनिस्तान से है। 1K का मतलब कश्मीर तो दूसरे का खनिस्तान है। लेकिन आखिर आतंकियों ने K2 डेस्क बनाई क्यों और ये भारत में किस तरह साजिश को अंजाम दे रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुभव शाक्य और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम ऑनलाइन। आप जानते हैं कि ISI हमेशा से कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देता रहा है, लेकिन अब आतंकियों ने खालिस्तान को भी इसमें शामिल किया है। अब आतंकी पंजाब में भी आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं। पहले भी खुलासा हो चुका है कि कश्मीर खालिस्तानी यानी K2 डेस्क के प्लान को ISI की ओर से फंडिंग की जा रही है। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ था कि पंजाब के गैंगस्टरों को धमाके करने की ट्रेनिंग भी इसी डेस्क के द्वारा दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक K2 डेस्क द्वारा पंजाब के कई गैंगस्टरों को ऑनलाइन धमाके करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को फिर से जीवित करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। इसके लिए ही ISI ने K2 डेस्क को शुरू किया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के वक्त भी ISI की इस K2 डेस्क का कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को जिन दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनका नाम जगजीत उर्फ याकूब और नौशाद बताया जा रहा है। इन दोनों आतंकवादियों ने पंजाब में दो शिवसेना नेताओं समेत दो अन्य हिंदूवादी नेताओं के नामों का खुलासा किया है, जिन्हें खत्म करने का काम इन आतंकियों को सौंपा गया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस इस मामले में पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों से भी बात करेगी। इन आतंकियों से पूछताछ में और भी कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। इस बार तो एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं।